दोस्तों अगर आप भी चेतेश्वर पुजारा की महत्वपूर्ण पारी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय दिग्गजों ने दूसरे दिन खराब प्रदर्शन पर रोहित और कोहली को लताड़ा तो वहीं पुजारा के प्रदर्शन को जमकर सराहा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। ऐसे में भारतीय दिग्गज काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दिए। भारतीय दिग्गजों ने रोहित और कोहली को जमकर धमकाया तो वहीं पुजारा की बड़ाई करते हुए ऐसा सनसनीखेज बयान दे दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन पर क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला इंदौर के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और मात्र 109 रन बनाए, जहां पर विराट कोहली ने सर्वाधिक 22 रन की पारी के लिए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज पहले दिन 156 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने आई दूसरे दिन तो 41 रन जोड़कर 197 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां उस्मान ख्वाजा ने सर्वाधिक 60 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 88 रन की बढ़त मिल गई। इसके बाद भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए दूसरी पारी में मैदान पर आई तो 163 रन पर पूरी तरह ऑल आउट हो गई, जहां पर पुजारा ने सर्वाधिक 52 रन की पारी खेली। ऐसे में भारतीय टीम ने 75 रन के लिए प्राप्त की और 76 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीतने के लिए दिया। ऐसे में रोहित कोहली और पुजारा को लेकर भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम को बेहतर बल्लेबाजी की आवश्यकता थी। यहां पर पहली पारी में तो भारतीय टीम के खराब बल्लेबाजी देखने को मिली ही, लेकिन इसके बाद दूसरी पारी में भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि दूसरी पारी में भी भारतीय टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि चेतेश्वर पुजारा ने बेहतरीन आतिशी पारी खेलकर दिखा दिया कि वह पूरी टीम के खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम को संभालने का काम करेंगे। इसके अलावा गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम की तरफ से दोनों पारियों में रोहित शर्मा और विराट कोहली का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। दोनों ने दिखा दिया कि अब उनके बल्ले में बिल्कुल भी दम नहीं है, उनको अभी काफी ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो दोनों को जल्द से जल्द संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम के पास कई युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। तो वहीं इरफान पठान ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में दोनों पारियों के अंदर भारतीय बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया है। हालांकि गेंदबाजों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन बल्लेबाज पूरे तरीके से खराब बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इस बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली को आगे बेहतर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, अन्यथा उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने एक बार फिर से अपनी क्षमता को दर्शाया और दिखा दिया कि उन्हें क्यों भारत की दीवार कहा जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से किस खिलाड़ी ने खराब प्रदर्शन किया है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।